छोटी मालकिन, मेरे पति सैनिक है लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है, उसकी वजह से वो काम पे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी धन नहीं है जिससे हम उनका इलाज कर सके। काम पे ना जा पाने से उनको वेतन भी नहीं मिलता, कैसे इलाज करवाएंगे? हम पे दया कीजिए छोटे मालकिन, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हमें कुछ धन दे दीजिए मालकिन। आपके पति का महीने का वेतन कितना है? 10 कांस्य मुद्रा है मालकिन। अच्छा, फिर आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। जी। गिन लीजिए, 10 कांस्य मुद्रा। धन्यवाद मालकिन, आप बहुत दयालु हो। आपके पति सैनिक हैं, तो आपका और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। क्या हुआ था उस औरत को? हमने उनको 1 महीने का वेतन दे दिया। वो उनका पति सैनिक है और बीमार है, उनके पास इलाज करने के लिए धन नहीं था तो। किंतु उसका पति तो काम पे नहीं आ रहा, फिर वेतन कैसे दिया? हाँ, पर वो हमारे ही सैनिक है और ऊपर से बीमार है, इसलिए थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। देखो काशी, तंत्र भावनाओं से नहीं, सख्त कानून और अनुशासन से चलता है। ऐसे हम हर सैनिक को बिना काम के वेतन दे देंगे तो कोषागार खाली हो जाएगा, इतनी बड़ी सेना कैसे संभालोगी? आपने कहा था सासुमा कि हमें जो सही लगे वो करें। और सासुमा, हमें ये सही लगा? बिल्कुल गलत लगा। जाओ, जाकर उस औरत से पैसे वापस लेकर आओ। गलती की है तो सुधारने के लिए यही सबक है। जाओ। परंतु हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, आपकी बहू को जिम्मेदारियां सौंपी थी तो काम पे नहीं आया सैनिक को वेतन दे दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो धन आपने सेना गठन के लिए एकत्रित किया है वो तो खत्म हो जाएगा। देखो काशी, मैंने तुमसे जिम्मेदारियां बांटने के लिए कहा था, अपने हिसाब से चीजों को चलाने या मनमानी करने के लिए नहीं। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगी, गलतियों से ही इंसान सीखता है। जाओ, जाकर अपनी गलती सुधारो।